बाला यहां हम नौकरी पर लगे हुए हैं, आप इतनी जोर से रुका मत, तारो आराम से बताइए क्या बात है। पिया जी, और आराम से, मतलब धीरे बोलूं? बहुत धीरे बोलो, क्योंकि राजा रानी ने यदि सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। पिया जी, अब भी ऊंचा सुर है, थोड़ा डाउन करो, और धीरे बोलो। हाँ, और धीरे बोलो। पिया जी, और धीरे। पिया जी, और धीरे। पिया जी, खर्च में ही आ जाओगे तेरा। राजबाला, आप मेरी बात को नहीं समझ रही। क्या समझूं आपकी बात को? बात तो आप नहीं समझ रहे मेरी। मैं आपकी सारी बात को समझ रहा हूं, लेकिन जो नियम है, कुछ कायदे कानून है, यदि आप उनको समझ करके चलोगी तो ठीक रहोगी। कौन से नियम है, कौन से कानून कायदे, मुझे बता दे अभी। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम यहाँ पर पहरे पर हैं। हाँ। और राजा रानी की नौकरी पर लगे हुए हैं। अच्छा, आप तो गुलाब सिंह हैं और मैं हूँ अजीत सिंह। अच्छा, क्योंकि आपका भेष जो है वो लड़कों वाला भेष है, मर्दाना भेष है। हाँ। अच्छा, तो यदि राजा रानी को ये पता लग गया कि इसमें एक औरत है और एक मर्द है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल राजा रानी आराम से सो रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहा यहाँ पे। हाँ, तो उन्हीं कम से कम दिन में तो चल जो भी रिश्ता है मर्दों वाला निभा लेकर, पर रात में तो ब्याही वाला रिश्ता निभा ले। तेरी ब्याही ही हूँ मैं। राजबाला, इस चीज को मैं भी समझ रहा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ रही है। हाँ, इस हिसाब किताब को तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन तू समझ ही तो नहीं रहा। अगर समझता तो मैं तुझसे कुछ कहती नहीं थी। अच्छा, मेरे साथ ये सारे समझ रहे थे कि दादा भी समझ रहे हैं, पर तू कौन ही समझ रहा। बाबा, समझ तो मैं भी रहा हूँ, पर मेरी कुछ मजबूरी बहुत बड़ी है। तुझे देख के तो बाबा छो में हो रहा है नको। बाबा छो में रहा है, जब तो चौकट विंडो जल्दी उखड़गी, ये तो तेरी भी उखड़ेगी। अगर तसल्ली से काम को करता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। चौखट विंडो तो तेरी भी उखड़ेगी। मेरी बात सुन ले बाला, मेरे सिर पर 20,000 रुपए का कर्ज रखा हुआ है। रखा हुआ है? हाँ। तुझे नहीं चमकने का, वो मैं जानता हूँ या वो सेठ जानता है। अच्छा। और सेठ जी ने 20,000 रुपए दिए थे तो ये शर्त लगाई थी। क्या? कि जब तक तू ये मेरे 20,000 रुपए वापसी नहीं देगा, जब तक तेरा और राजबाला का रिश्ता भाई और बहन का रहेगा। तूने सेठ जी से 20,000 रुपए का कर्जा लिया? हाँ। और किसको दिए 20,000 रुपए? 20,000 रुपए उससे मैंने लिए थे, आपके पिताजी को दिए थे मैंने। मेरे पिताजी को 20,000 रुपए दिए? हाँ। इसलिए? इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि तेरे में दम है तो तू 20,000 रुपए दे, और जब मेरी लड़की राजबाला से साथ में तेरी शादी हो सकती है। इधर आ। तूने मेरे पिता को अगर 20,000 रुपए दे दिए तो कोई बड़ा जुलम नहीं कर दिया? दादा, पटावासी बहू भी तो दिए 20,000 रुपए में, तुझे तो ऐसी बहू लाखों में नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी बात सुन, तेरी किस्मत खुलगी जो 20,000 में मिलगी। वो बात तो आपकी सही है कि आप अच्छी हो और सुंदर भी हो। हाँ, नहीं तो आजकल 15 लीटर की भैंस भी 1,25,000 की आवे है, यू तो औरत है। सस्ता सौदा पड़ने पड़ेगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, सस्ता ही पड़ने पड़ेगी। हाँ। मेरे लिए 1 रुपया भी, ये समझिए, आपकी लाखों के समान है। अच्छा। 20,000 रुपए मेरे लिए आप 10 लाख के बराबर समझिए, क्योंकि मेरा समय बिगड़ गया। अरे बाहर में गए 20,000 रुपए, मौसम देकर मौसम की नजाकत को दे। दादा खींच के लू ऐसे ना मारे करू बाबा, तो मान जा, मैं तो कौन ही बिठा दूंगी। बाबा हाथ ये कर रहे हैं, उनको आर पार कर दे मामले को। सुन ले मेरी बात, कहिए। थर थर कांपेगा तो पिया मेरा, लेकिन क्यों इस सामन की बरसात में। मेरी भी सुनिए, सुनाइए। ओ चुपकी हो जा, सुन लेगा कोई, कोई नहीं सुनेगा, सब कान बंद कर लेंगे ये। बाला आधी रात में थर थर कांपेगा पिया मेरा, सामने की बरसात में। चुपकी हो जा, सुन लेगा कोई, बाला आधी रात में। पिया जी,
राज छुपावेगी। भेद खुला तो मारे जावे, शीश मेरा कटवावेगी। ओ भेद खुला तो मारे जावे, शीश मेरा कटवावेगी। घर कब तक दुखड़े पावेगी। खेजी हो तक दुखड़े पावेगी, क्यों देर करे मुलाकात में। थोड़े दिन की बात बावली पूरी कर दूं चाहत ने। होरी बाला हो पिया जी, हो बाला हो पिया जी। हेलो, अगर मेरी बात मान जाओ मन लगाऊंगी। मन तो पूरा लगा रही है मेरा। दादा नो करा इसका को नहीं लगे मन, तुम मेरा लगा मन। दादा दादा ले तेरा भी मन लगा दू थोड़ी देर, तू भी क्या याद रखेगा। निर्दोष मारे जाओगे यदि चक्कर में आगे तो। हकीकत में मरा ही पड़ा है अभी। राजबाला थोड़े दिन की बात है, झाल तो मेरे मन में भी उठ रही है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल में रख रहा हूँ अभी। ओहो कंट्रोल धारी, मेरी बात सुनिए। तुझे पता नहीं है मेरा मामला अभी थोड़ा कच्चा है, अभी मैं डाउन पे हूँ, मेरे पास में कोई ज्यादा बजट भी नहीं है। किस चीज का बजट? वो जो 20,000 रुपए देने हैं। अरे 20,000 अपने आप पड़ जाएंगे, अगर ये 100-100 रुपए भी देंगे जब तेरा कर्जा पड़ जाएगा। ये ना देने के 10 रुपए भी, ये सारे दे देंगे। ये नहीं चाह रहे कि अजीत सिंह और राजबाला का मिलन हो। यो बाबा तो अपने चक्कर में लग रहा, देख बीड़ी गाड़ ली बीड़ी। देख शुरुआत होगी। हाँ भाई हमारे 100 रुपए आगे दादाजी ने दिए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब 19,900 रह गए। हाँ अब मेरा गांव वालों से निवेदन है कि भाई मैं बहुत संकट में चल रहा हूँ भैया, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति खराब है, इसके संकट में थोड़ा चंदा दे दो बेचारे। 19,900 रुपए अभी और रह गए हैं और उसका ब्याज अलग रह गया। यदि राजबाला तू इनका थोड़ा सा डांस करके मनोरंजन कर दे तो मुझे लग रहा है कि ये जेब में से कुछ खर्चा पानी निकाल सकते हैं। देख लो देख लो, ऐसा आदमी भी नहीं देखा होगा, नाचने को भी लुगाई को कह रहा है इनको, नाच करके इनके पैसे कटवा। अब दादाजी क्या करूं, मुझे तो लास्ट हथियार यही दिखाई दे रही है बस। सुन ले मेरी बात। राजबाला आप मुझ पर रहम खाइए थोड़ा सा। तुम तो धोखेबाज बहुत हो, तुम तो मुझे मार दोगे। वो कैसे? आप तो अभी धोखा दे गए थे मुझे। राजबाला मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं भी उम्र भी मेरी कम है और तू मुझे देख लो जी देख लो, मुझे संभाल। अभी तो यू नाबालिग है बेचारा, मुझे संभाल करके रख राजबाला, नहीं तो मेरे से हाथ धो बैठेगी फिर तू। मुझे तो ऐसा लगे तू संभालने के चक्कर में लगा रहेगा, मैं चलती बनूंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। सुनिए मेरी बात। कोन्या टेम अंगाई का, ओ झाल डाट ले वाला प्यारी, कोन्या
जल पर की मुर्गाई का हे जी हो जल पर की मुर्गाई का दिल रोवे इस हालात में मत ना करे अधीर पीर तू आग लगा रही बात में होरी बाला हो पिया जी बाला हो पिया जी क्यों बनके सोला भड़के से ओ सारी आग बुझा दूंगा क्यों बनके सोला भड़के से मेरे दिल में काटा रड़के से हे की हो दिल में काटा रड़के से हम वीरों की जात में भर भर लड्डू बटवा दूंगा खाड़ी ले परात में होरी बाला हो पिया जी बाला हो पिया जी रिम झिम रिम झिम में खापर से आग लगा वे पानी में मत हाँ। बोले ऊंची वाणी में ओ राजा रानी सुन लेंगे मत बोले ऊंची वाणी में फिर आवे मजा कहानी में हे जी हो आवे मजा कहानी में जब रात कटेगी साथ में फिर हम पालना कर हम दोनों हाँ। पावेंगे हवलात में होरी बाला हो पिया